यशोमति मैया के नंदलाला। न जाने जातकर्म संस्कार को कितना और समय लगेगा। नाना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। किंतु यशोदा, मेरा लल्ला यहाँ भूख से व्याकुल है और आपको आपके किंतु परंतु की पड़ी है, और मैं भी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ इस क्षण की, उसका क्या? ये हुई ना बात, मैया ने बाबा को झिड़क दिया। ऐसा होता है संतान का स्नेह। यशोदा को समझाना पहले ही कठिन था, अब मैया बनने के बाद तो संतान के हित के अतिरिक्त और कछु इसके समझ में ना आएगा। किससे सहायता लूं? बेड़िया खोलो इनकी। कहां लेके जा रहे हो तुम? चलिए मेरे साथ। हमें यहां क्यों लाए? क्या और क्यों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है मुझे राजन। महाराज कंस ही मेरे दाता हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करता हूं मैं। रुको यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूखे लल्ला को दूध पिला रही हो जीजी, कोई पाप थोड़े ना कर रही? पाप नहीं है किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है जीजी? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी, अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो जीजी? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना? बहन, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान होता है, जिन्हें पहले ही पूर्ण किया जा चुका है जब तुम्हारा लल्ला तुम्हारे गर्भ में था। अब जात कर्म संस्कार करना है। तुम्हारे लल्ला और हमारे प्रिय नीलमणि के लिए अत्यधिक लाभदायक है ये। किसी भी कार्य को करना आवश्यक अवश्य होता है, किंतु उसे सही ढंग से करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अब क्या अपने लल्ला के भविष्य के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती? मैंने सदानंद जी को सूचना भिजवा दी थी, वो संस्कार पूर्ण कराने के लिए शास्त्री जी को बुलाने उनके घर गए हैं। शीघ्र ही आ जाएंगे ना वो? बस आते ही होंगे। मैया, मैं भूखा तो हूँ पर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बाहर उपनंद जी ने भी तो सारी तैयारियां करवा दी है, गोकुलवासी भी तो हमारे लल्ला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर सबसे मिलता हूँ। मैं भी मेरे पुत्र को देख कर आती हूँ। अवश्य भैया को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने। नहीं देवकी, ये भूल सुधारने का प्रयत्न नहीं है, ये तो श्री योग माया की चेतावनी का परिणाम है।
मृत्यु तीव्र गति से तेरी ओर चली आ रही है कंस। यदि इसे तनिक भी टालना चाहता है तो अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांग, अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर, वरना अपने भाग्य का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। हमारा अष्टम पुत्र उसे मिलता तो कंस उसे भी क्रूर मृत्यु दे देता। उसे नहीं मिला इसीलिए उसने हमारे चरण पकड़ लिए। बदलना उसका स्वभाव नहीं है देवकी, उसे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। वो हमारे अष्टम पुत्र को ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करेगा। मेरा छोटा सा नीलमणि, भूख बहुत अधिक कष्ट तो ना दे रही? नहीं मैया, मैं और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब लग रहा है ये बढ़िया। अरे सुनो, गेंदा कम पड़ जाए तो वहां से ले आना दौड़ के, ठीक है? अरे मैया तनिक जोरों से हाथ चलाओ, शाम को उत्सव है। जानकी कस्तूरी, तनिक शीघ्र हाथ चलाओ। यदि गोकुलवासी लल्ला के दर्शन करके चले गए तो तुम दोनों को ही इन्हें घर घर वितरण करने जाना पड़ेगा। गोकुल के प्रत्येक प्राणी का मुंह मीठो होना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना। जी भैया। पंडित जी आ गए क्या? जीजी, ये ठीक लग रही है ना? बस तो फिर इसके साथ की चोली और मिल जाए। इतनी देर क्यों लग रही है पंडित जी को? यहाँ मेरा लल्ला भूखो है और सुनो 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 सुनो, शास्त्री जी पंडित सदानंद जी को लेकर घर से निकल चुके हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। बस उनके द्वारा जात कर्म संस्कार के पूरे होते ही आप सभी लोग नंदलाला से मिल सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके एक पांच में खड़े हो जाइए। पंडित जी ना हुए महाराज हो गए, पता ना कब पहुंचेंगे और कितनी देर भूखा रहेगा मेरा लल्ला। मैया मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी व्याकुल है। एक क्षीर समंदर माँ के अंदर ना ममता की था, परंपरा से बंध कर तड़पे इसके मन की चाह। सबसे पहले लल्ला को तो मैं ही देखूंगा। यशोदा और नंद जी को लल्ला हो गयो और मुझे अब पता चल रहा है। चलो हटो हटो। अरे रुको रुको रुको, पीछे देखो सब पाथ में खड़े भए हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी अंदर जाओगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कहीं की महारानी तो नहीं दिख रही वैसे, और यदि होती तो भी ये नंद राज का गोकुल है, यहाँ सभी कार्य नियम से होते हैं। चलो जाओ, जाके खड़ी हो जाओ पीछे। इतना अधिकार तो मेरे पति को भी ना दियो है मैंने। ओहो, इतना अभिमान है पांच तोड़ के लल्ला को देखने को। देखो हमारे जीते जी नहीं जाने दूंगो। चल हट। क्यों रे, इतने प्यारे लड्डू बने हैं, यशोदा जी को लल्ला हुआ है और तू मुझे बताने भी नहीं है। अरे ढोल बज गया, पूरे गोकुल में घोषणा हो गई चाची, तुमको फिर भी पता नहीं चला? नहीं तो उल्टा मुझसे प्रश्न कर रही है। शुभ समाचार बताने तुझे घर आना चाहिए कि ना चाची। अरे चाची, चाची सुलक्षणा, मेरा लल्ला भूख से तड़प रहा है और पंडित जी जाने कहाँ रह गए हैं, और तू मेरे भूखे लल्ला के सामने जो लड्डू खा रही है। कितना प्यारा है ये छोटा सा भोला भाला।
शीघ्र ही आपका ये विचार बदल जाएगा। अब मैं जो आ गया हूँ आपको परेशान करने। देखा यशोदा जी, देखा आपका लल्ला कितना प्रसन्न है मुझे देख के। अच्छा यशोदा, सदानंद जी शास्त्री जी को लेकर पधार गए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत, अभूतपूर्व, ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी, अब प्रारंभ करते हैं। मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज, अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार, जन्म के बाद जो पिता करे जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया है? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तुमने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? क्या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बिछाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है, तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य
मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूँ ये सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगो। बधाई हो, बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंतु में महामहिम कंस, तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा कि ते दाना माना सभी देखते रह जाएंगे। मारूंगा तेरा तार जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा, और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी माओ के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के साथ ढेर तैयार है, कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो। आप सभी प्रसन्न रहें, आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ, और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। देख कष्ट मैया का, व्याकुल हो नन्हे कन्हैया, जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया, दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है,
मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा हो तो है, देर से दियो, पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला, नारायण का बहुत बहुत आभार, और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी, स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी, सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ, थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे, सबसे न्यारे। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे, एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी, हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है।